कैसे हो? बढ़िया. ओके. देखो, आज हमने एक्सरसाइज 1.1, बिकॉज एससी जो हमने पिछले बार जो वीडियो डाला था उसके अंदर एससीएफ का हमने देखा था. और एससीएफ में हमने क्या देखा था कि डिवीजन मेथड से, डिवाइड मेथड से एससीएफ निकालने का देखा था, राइट? अब हम जो करने जा रहे हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो यूक्लिड के ऊपर है. मैं सीधा बोलूँगा, समझने के बाद इसको 2 से 3 बार आप लिखेंगे. 2 से 3 बार लिखने के बाद इसको समझो कि इस स्टेप्स को लर्न ही कर जाओ. समझने के साथ इसको स्टेप्स को लर्न कर जाओ. ये जो आगे का 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड तो नॉर्मल सीएफ ही है, फोर्थ एंड फिफ्थ है. इसको आपको क्या करना है, 2 तो 3 3 4 4 बार लगातार लिख लेंगे और इसे आप समझो तो लर्न कर लेना, है ना? क्योंकि स्टेप्स है इसके अंदर. और इस स्टेप्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो समझना है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है, यूक्लिड डिवीजन डिवीजन लेमा, इसका ये मतलब है कि एक स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए वी हैव टू नीड अनदर स्टेटमेंट. क्लियर हो गया? अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये आपके एनसीईआरटी में टर्म्स है, यूक्लिड डिवीजन लेमा. व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? लेमा का मतलब होता है अनदर स्टेटमेंट, जिससे कि हमें दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करना होता है. समझ में आ गया ना? मतलब इट इज ए स्टेटमेंट विच प्रूव द अनदर स्टेटमेंट. जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर कोई पूछता है कि आप प्रूव करो कि राम जो है ना, राम जो है दशरथ का बेटा है, या हमें ये प्रूफ करना होता है राम और लक्ष्मण दोनों ही ब्रदर है. क्लियर है ना? तो राम और लक्ष्मण ब्रदर है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अनदर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. क्या? कि जो राम के पेरेंट्स हैं उनका भी नाम सेम है, और जो लक्ष्मण का पेरेंट्स हैं उनके भी नाम सेम है, मतलब फादर नेम सेम है. तो हम बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का फादर नेम सेम है, इस वजह से दोनों क्या है, ब्रदर है. तो ये अनदर स्टेटमेंट हो गया, जिसको हम लेमा बोलेंगे. तो मैथ्स में भी कुछ अलग स्टेटमेंट होते हैं और उसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं क्या, लेमा. क्लियर है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या होता है, इट इज ए स्टेटमेंट विच प्रूव द अनदर स्टेटमेंट, राइट? क्लियर हो गया होगा. अब हमारे पास क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा, सो डेट एनी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5. यहां पे कुछ भी आ सकता है, 6³ के जगह पे 2³ + 1 आ सकता है, 2³ आ सकता है, यहाँ पे 3³ आ सकता है, 5³ आ सकता है, 7³ आ सकता है, 9³ आ सकता है, 13³, मतलब कोई भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है. तो इसके लिए घबराना नहीं है आपको, इसमें देखने की क्या जरूरत है वो आप देखो. समझना क्या है, पहले मैं समझाता हूँ फिर स्टेटमेंट लिखेंगे. मान लो कि मैंने ये बोला कि कोई बी एक इंटीजर है, उसमें ए से डिवाइड करना है, यहाँ पे क्यू कॉन्स्टेंट बनता है और ये रिमाइंडर बचता है, ऐसा ही होता है ना? तो हम अगर b इक्वल टू निकालते हैं तो क्या होता है, a इंटू क्यू प्लस आर, ये डिवाइड का रूल्स है या इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम है. ये तो क्लियर हो गया आपके पास कि b कोई इंटीजर्स है और उसमें a से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है और ये रिमाइंडर बचता है. अब देखो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट के साथ ही है ना, क्वेश्चन के साथ ही ये आपके पास नंबर्स है, तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है. जो ये नंबर होगा इसका मतलब उसका टेबल ये होता है, मतलब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है. क्लियर है ना? देखो क्यू के साथ कौन सा नंबर लग रहा है, ए, तो ए को क्या मानना पड़ेगा, ए को मानना पड़ेगा जो इसके साथ की वैल्यू है. अगर यहाँ 7³ है तो 7 मानना है ए को, अगर यहाँ पे 9³ है तो 9 मानना है, 13 है तो 13 मानना है. क्लियर हो गया ना? आपको क्या करना है, हमें करना है कि इस फॉर्मेट में लिखना है, मतलब स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट क्या होगा आंसर में, हमने क्या करना है कि लेट करना है कि लेट बी है ना, बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर ए इक्वल्स टू 6. क्लियर है? ए इक्वल टू 6³, बिकॉज 6³ लेना है यहाँ पे. अगर यहाँ पे 7 आता तो 7 लेते, 2 होता तो 2³ लेते, 2 लेते. तो वेयर ए इक्वल टू 6 ले लिया. अब आपको खुद देखना है कि जब ए इक्वल टू 6 ले लिया तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको लिखना क्या है, लेट बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर ए इक्वल टू 6. अब लिखना है कि वेन बी डिवाइडेड बाई ए देन रिमाइंडर
रिमाइंडर कम्स, क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है? अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो उससे एक लेस देन तक रिमाइंडर आता है। मतलब मान के चलो कि अगर हमने यहाँ पे 7 ले लिया, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 वन रिमाइंडर बच रहा है। अगर यहाँ पे 8 होता है तो यहाँ 2 रिमाइंडर बचता है। यहाँ पे 9 होगा 3, 10 होगा 4, 11 होगा 5, 12 होगा 0, 13 होगा 1। आपने क्या देखा, 1 से लेके 5 तक रिमाइंडर बच सकता है। मतलब जो जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे, मतलब ए की वैल्यू जो मानोगे उससे लेस देन तक क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। तो जब बी डिवाइडेड होता है ए से, देन रिमाइंडर कम्स 1, 2, 3, 4, 5, राइट। ये रिमाइंडर बचता है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन बट करा कि पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमारा आंसर क्या आता है वो देखिएगा। क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आई थिंक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, हमने यहाँ पे ऑड लिखना भूल गया है। अगर क्वेश्चन में आता है ऑड इंटीजर्स या क्वेश्चन में आ सकता है इवन इंटीजर्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है। तो आपका क्वेश्चन कुछ भी होगा उस समय मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर हमारा सीधा इंटीजर्स होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, देन रिमाइंडर कम्स, रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर हमारा बचता है, रिमाइंडर जो बचता है हमारे पास वो बचता है क्या, 1, 2, 3, 4, 5। बट अगर हमारे पास ये ऑड इंटीजर होता तो ऑड केस का रिमाइंडर बचता, अगर हमारे पास इवन इंटीजर होता तो इवन केस का इंटीजर बचता है, राइट। बट अगर हम क्वेश्चन को ये मानकर चले कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन हम लिख देते हैं बट बी इज ऑड इंटीजर, बी इज अ ऑड इंटीजर्स, देन रिमाइंडर, देन रिमाइंडर, रिमाइंडर कम्स 1, 3 and 5 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हम क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस आर, ठीक है। जब हम ये लिख लेंगे, इसके बाद ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि दैट मीन्स कि जो बी इक्वल्स टू वो हो सकता है 6Q+1 और बी इक्वल्स टू 6Q+3 और बी इक्वल्स टू 6Q+5, क्लियर है। हैंस प्रूव्ड, ये बात हमें जो प्रूफ करना था ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन कुछ और होता है, क्वेश्चन क्या होता है, तो क्वेश्चन अगर होता है कि ये सीधा इंटीजर है तो हम लिखते हैं हमारे पास रहता 6Q+1, 6Q+2, 6Q+3, 6Q+4, 6Q+5 एंड 6Q। अगर हमारे पास ये इंटीजर्स इवन होता है तो हमारे पास होता 6Q, 6Q+0, 6Q+4, 1, 6Q+2 एंड 6Q+4, क्लियर हो गया ना। मतलब ये क्वेश्चन आप समझ गए, इसको 2 से 3 बार लिखना है क्या, कि लेट बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, या यहीं पे लिख लेना नेगेटिव ऑड इंटीजर्स, बट मैंने सीधा इंटीजर्स माना। When b divided by a, then remainder comes क्या 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने बता दिया क्यों, आप डिवाइड करके देख लेना। कोई भी नंबर ले लो अपने आप से एग्जाम्पल और उसमें 6 से डिवाइड करके देखो, उसका रिमाइंडर 1 से लेके 5 तक ही आता है। बट b इज ऑड इंटीजर्स, अगर वो ऑड इंटीजर है तो आपका रिमाइंडर 1, 3 and 5 ही आएगा, अगर वो इवन इंटीजर है तो 0 आएगा, 2 आएगा एंड 4 आएगा। तो बस आपको यही लिखना है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस और 4, दैट्स वाई, या इसीलिए हमने लिखना है देयरफॉर क्या लिखेंगे, बी इक्वल्स टू 6Q+1, बी इक्वल्स टू 6Q+3 एंड बी इक्वल्स टू 6Q+5, क्लियर है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो इसका सेम क्वेश्चन एक एग्जाम्पल्स भी है और उस एग्जाम्पल्स को भी करेंगे। जैसे मैंने अगर क्वेश्चन में इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन अगर देते हैं तो उसमें क्या लिखोगे, आप करके देखना। लिख लो एक क्वेश्चन कि सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, 7Q+1, 7Q+2, 7Q+3,
सेवन क्यूब प्लस फोर, सेवन क्यूब प्लस फाइव, सेवन क्यूब प्लस सिक्स, इसको फिर से अपने स्टेटमेंट में आप लिख लेना और लिख कर हमारे को भेजिए, ठीक है। बट इसको आपको रटना है, इसमें कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बी को इंटीजर मानिए, बी में ए से डिवाइड कीजिए, ए क्या लेट करोगे तो जो यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे सेवन दिया पिछले वाले क्वेश्चन में, तो आपको ए की वैल्यू सेवन डालना है, नाइन देंगे नाइन डालेंगे, क्लियर हो गया ना बात। अब इसको डाल के फिर लिखेंगे देन रिमाइंडर कम्स, क्या जो नंबर ए की वैल्यू होगी उससे लेस देन तक रिमाइंडर रखो, मतलब अगर सिक्स है तो रिमाइंडर वन से लेकर फाइव तक बचेगा। तो इक्वली डिविजन एल्गोरिथम से क्या होता है, बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, अब ए की जगह पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करके आंसर ला देंगे, हैंस हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल सब ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आपने कर रखा है, उसमें सिर्फ एस सी एफ निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन से, क्वेश्चन को पढ़ लेना, ओनली एस सी एफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड टू शो दैट, है ना, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m, 3m प्लस 1 के फॉर्म में ये शो होता है। एनसीईआरटी बुक है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है ना, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में होता है, क्लियर है ना, समझ गए, लिखिए, लिखना लेट, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी, वो क्या है तो 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 होता है, ये हमने लेट कर लिया, किसी का भी इंटीजर इस फॉर्म में होगा। अब अगर ये होगा तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, मतलब इसका स्क्वायर करो आप, स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, अब इसमें से हमें 3 कॉमन ले लेना है तो बच जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या ले लेना है, 3q स्क्वायर, दैट मीन्स कि ये वैल्यू 3m के फॉर्मेट में आ गया, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज इज द फॉर्म ऑफ 3m, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसको भी करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा, तो क्या लिखेंगे, 3q प्लस 1 का अगेन स्क्वायर करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, जिनको नहीं आता लिख लेंगे फॉर्मूला, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6, 2 इंटू 3q एंड प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब खुद देखो आप, यहाँ से 2ab लगा दिया हमने, इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, क्या कॉमन लिया, 3 ले लिया, देखो ना यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 से डिवाइड लग सकता है, 3 कॉमन, यहाँ आ गया 2q एंड ये प्लस 1। अब कहोगे सर 3 क्यों लिया, क्योंकि भैया हमें प्रूफ करके लाना ही था 3m, नीड टू प्रूफ क्या था, नीड टू प्रूफ क्वेश्चन में है 3m और 3m प्लस 1, ध्यान रखना यही है ना, ये हमें प्रूफ करके लाना है, इसलिए हमने 3 कॉमन ले लिया। अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने m बराबर 3q, ब्रैकेट में जो वैल्यू बचता है उसको आप n की वैल्यू मान ले सकते हैं, ठीक है ना। अब नाउ जो नेक्स्ट टर्म्स वो है 3q प्लस 2 को भी करके अगर यही आ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो आइए अब हम इसके सेकेंड क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट है उसका भी स्क्वायर, हमने फर्स्ट को कर लिया, सेकेंड को कर लिया, थर्ड जो इंटीजर है उसको भी करके अगर वही आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर किसी का भी पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्मेट में होगा। तो 3q का स्क्वायर क्या होता है, 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6 × 2 12q प्लस 2 का पावर 2, दिस इज 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे ये आएगा। अब हमें क्या करना है, 9q स्क्वायर प्लस 12q, अब प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, अब हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड यहाँ पे 1, अब ये वैल्यू हमारा 3m प्लस 1 आ गया,
जहाँ पे कि m के वैल्यू क्या लिया यहाँ पे, 3q² + 4q + 1, ठीक है ना। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गया 3m + 1, यहाँ वैल्यू आ गया 3m + 1 या 3m। इसका मतलब तीनों इंटीजर्स को हमने स्क्वायर किया तो हमारा वैल्यू क्या आया, 3m या 3m + 1। डैट मीन्स कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर इन्हीं फॉर्मेट में होता है। क्लियर है ना बात। अगर इसी फॉर्मेट में होता है तो फिर क्या दिक्कत है, आपको ये स्टेप्स ही तो याद करना है कि लेट बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स 3q, 3q + 1, 3q + 2, और इनका स्क्वायर कर दो, कॉमन ले लो, आंसर आ गया। लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। अब ये बात आती है कि क्या सर यहाँ पे कोई भी चीज़ आए तो ये, हाँ कोई भी चीज़ का ले सकते हो आप स्क्वायरिंग करना है तो, ठीक है ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्यूब करना है, ठीक है ना। तो चलो इसको लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 क्या है देखिए, ये मिटा रहा हूँ, इसको 2-3 बार जरूर लिखना है कॉपी पे, तब आके समझ में आएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टाइप है, यही है अलजेब्रा का फॉर्मेट। इसको आपको क्या करना है, करना ये है कि 3 बार आज ही के डेट में समझने के बाद लिखना है सेम स्टेप्स, और ये एक तरह से लर्न करने के ही बराबर है। कोई बोला सर इसको रट लो, हाँ भाई रट लो, ठीक है ना। फिर अदर टाइप क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे जो क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे, क्लियर है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर क्वेश्चन में भी देखो, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि एक एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं क्यूब है, वो 3m, 3m + 1 एंड 3m + 8 के फॉर्मेट में होता है। द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज 3m, यहाँ पे है 9m, 9m, 9m + 1 एंड 9m + 8। क्या मतलब हुआ, किसी भी का क्यूब इन्हीं 3 के फॉर्मेट में होता है। बात तो आई भाई, क्या प्रूफ करके दिखाइए कि कैसे होता है। तो मैंने वही काम किया, लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स 3q, 3q + 1, 3q + 2, ये मैंने लेट कर लिया। लेट करने के बाद हमें क्या करना है, क्यूब पूछ रहा है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन 5 में, ये नीड टू प्रूव यही है, नीड टू प्रूव है। आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, उस बुक में आप देखेंगे और ये क्वेश्चन लिख लेंगे कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। क्लियर है, समझ में आया ना बात। तो आइए करते हैं क्वेश्चन में, हमने क्यूब किया पहला 9 क्यूब करेंगे, 3 क्यूब का क्यूब, ठीक है ना, क्यूब करो, क्या होता है इसका 27 क्यूब, इसमें से हमें 9 कॉमन ले लीजिए, 3 क्यूब का क्यूब आ गया, यहाँ लिख देंगे हम 3 9m, ये हमारा पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, यह है 3q + 1, 3q + 1 का क्यूब करो, क्या बनेगा, a + b का होल क्यूब, आपको फॉर्मूला याद होगा, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a²b + 3ab² ये फॉर्मूला लिख लेना, और इस फॉर्मूला को आप करने की कोशिश करना। इसका हम करते हैं 27³ + 1³ + 3a² मतलब 3q² × 1 + 3q × 1² ये लिख लिया हमने। अब जरा देखो यहाँ पे 27³ का क्यूब प्लस, इनको बाहर ले देंगे, बाकी इस सबको रख लेते हैं, 27³² + 9³ + 1, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लीजिए, 3³ का क्यूब + 3q² + 1 + 1, ये देखो नॉर्मली हमने किया है, सिर्फ इस 1 को पीछे ले गए, अब यहाँ पे 9m + 1 आ गया, यहाँ पे m के बराबर में क्या लिया बताइए, m के बराबर में 3³ का क्यूब + 3q² + 1 ले लिया, यही है हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 3q + 2 का होल क्यूब करेंगे, और देखिए 3q + होल का क्यूब, अगर मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, फॉर्मूला लिख लिए होंगे ना, लिख लेना साइड में। इसके बाद देखो इस साइड में हम क्वेश्चन कर रहे हैं,
क्या ये इसका 3 क्यूब, दूसरा नंबर है 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, दिस इज 3 क्यूब का होल क्यूब क्या होता है 27 क्यूब का क्यूब, 3 3 3, क्यूब का मतलब 3 बार क्यूब ना, 27 क्यूब, +8 +3 × 3 क्यूब का स्क्वायर +2 +3 × 3 क्यूब × 2 का स्क्वायर, दिस इज 27 क्यूब का क्यूब +8 बाहर कर देते हैं, 27 × 3 = 54 है ना, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54 क्यूब का स्क्वायर +9 × 4 = 36 है ना क्यूब +8, यहाँ से देखो सब में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लीजिए, 3 क्यूब का क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर +4 क्यूब +8, ये वैल्यू हमारे पास देखो 9m + 8 के फॉर्मेट में आ गया, यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट में वैल्यू था m बराबर वो 3 क्यूब का क्यूब +6 क्यूब स्क्वायर +49 ले लिया, 49 सॉरी है ना, 49 4 क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास एम हो गया, हैंस प्रूव्ड, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स क्वेश्चन को करने हैं, और ये जब क्वेश्चन हो जाए तो इसको 3 बार लिखने हैं, हमने कुछ नहीं किया, लेट बी पॉजिटिव इंटीजर्स 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 2, स्क्वायर के केस में इनका स्क्वायर कर दिया 3 बार, कॉमन निकाल के लिख दिया, और क्यूब के केस में क्यूब किया, कॉमन निकाल के लिख दिया, आंसर हमारे पास है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई भी डाउट है तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और दोबारा समझाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर एक बार में ना समझ में आए 2 बार इसका वीडियो देखो, 3 बार देखो और 3 टाइम्स लिखो, हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, और इसके बेस पे जो क्वेश्चन है मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है, सो ट्राई इट।